से हम 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री हुए, कोई दाग उंगली उठाया कि जीतन मांझी ने 9 महीना में बहुत कोई गड़बड़ कर दिया। मेरा कहने का मतलब है कि हम संतोष को इसीलिए आगे कर रहे हैं कि संतोष पढ़ा लिखा नौजवान है। हम खुला चैलेंज करते हैं कि हमारी संपत्ति का भी कोई जांच करना चाहे तो जांच करना कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि हमारा बेटा जी संतोष कुमार सुमन अगर मुख्यमंत्री पद को मिलेगा तो कोई भी अभी जितने नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री का उससे बेटर साबित करेगा, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। ओपन कहाँ है कि अगर वो कहीं भी जाते हैं हम उनके साथ हैं। ये ठीक है हम अलग पार्टी है, हम 5-4 मेंबर अलग हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो निर्णय है हमको मान्य है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, हम ये हैं। रही बात अहर्ता की, तो अहर्ता में भी हम देख रहे हैं जिस लोगों का नाम आ रहा है तो हम भी सोचते हैं कि हम लोगों में क्या दिक्कत है। हमारा जैसे हम 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री हुए, कोई दाग उंगली उठाया कि जीतन मांझी ने 9 महीना में बहुत कोई गड़बड़ कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने कहा कि मांझी जी आप सरकार चलाए। मर गए अनंत प्रसाद जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम कई एक मुख्यमंत्री को देखा लेकिन जीतन मांझी जितना शॉर्ट समय में अच्छा काम किए बिहार में बहुत कम करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम संतोष को इसीलिए आगे कर रहे हैं कि संतोष पढ़ा लिखा नौजवान है और हर तरह से इस्टेब्लिश है। वो नहीं है कि कोई कहेगा कि कोई कमीशन देगा तो काम करेगा, कोई कहेगा कि हमको लाखपति बनाना है वो करेगा। वो ऑलरेडी डिग्रीधारी है, ऑलरेडी प्रोफेसर है, ऑलरेडी अभी MLC है। जीतन मांझी 42 वर्ष में कितना संपत्ति अर्जित किया है आप लोग सब देख सकते हैं। हम खुला चैलेंज करते हैं कि हमारी संपत्ति का भी कोई जांच करना चाहे तो जांच कर ले। न हमको ठेकेदारी है, न पटेदारी है, न गैस एजेंसी है, न कुछ और कुछ है, सिर्फ और सिर्फ विधायकी और विधायक के पैसा पर डिपेंड कर रहे हैं। हमारा कहना है कि संतोष कुमार भी को भी यही सीख हम देते हैं कि बेटा संपत्ति इज्जत बड़ी चीज़ है, संपत्ति कुछ नहीं है, संपत्ति जो आया है ले करके वो नहीं जाएगा, वो क्षणिक चीज़ है, उसके पीछे मत रहना। आज जिस प्रकार से जीतन मांझी गरीब होते हुए भी आज गांव-गांव में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, सब कोई कहता है जीतन मांझी अगर 6 महीना और आप रहते तो बड़ी अच्छी स्थिति हो जाती बिहार की, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ उसको समझाते हैं कि जो काम मिला है उसको तुम करना, संपत्ति के पीछे मत जाना, और आज जो काम वो कर रहा है इसी तर्ज पर कर रहा है कि आज प्रोफेसर है, न भी MLA रहेगा तो मिनिस्टर रहेगा तो क्या दिक्कत है, वो तो प्रोफेसर है और इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको वहाँ। लेकिन जहाँ तक सिद्ध करने की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी और शेड्यूल कास्ट के अफसर और शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर जो होते हैं वो सो होते हैं, तो जीतन मांझी ने जिस प्रकार से दिखलाया, हम कहते हैं चैलेंज करते हैं कि हमारा बेटा जी संतोष कुमार सुमन अगर मुख्यमंत्री पद को मिलेगा तो कोई भी अभी जितने नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री का उससे बेटर साबित करेगा, इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन बात तो सर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की हो रही है, अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे हम लोग उसका समर्थन करेंगे, इसमें कहाँ कुछ हो रहा है, पहले ही कर दिया। वो किसको कहेंगे, नीतीश कुमार जी हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हम लोग शेड्यूल कास्ट बेमान नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट ईमानदार होता है। एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर हमको बैठा दिया, ये कोई मामूली बात नहीं किया है, मामूली विश्वास हम पर नहीं किया। ठीक है 5 गो को कहने पर उनको कार भर दिया तो हमको हटा भी दिए, महसूस करते हैं वो, लेकिन हो सकता है हमें भी कुछ गलतियां हो, लेकिन विश्वास तो उन्होंने किया। आज जो कुछ भी हम हैं, आज हम घूम रहे हैं तो एक से चीफ मिनिस्टर के सारी सुविधा हमको मिल रही है, हम जा रहे हैं, एक कोई दूसरा का था हिम्मत का वो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार अब हमको गाली भी देंगे, आज कहीं धक्का भी देंगे, और धक्का दिए वो, हमारे पास 2 मंत्रालय था, 1 मंत्रालय छीन लिए, हम सी शब्द बोले, हमने कहा आपसे हम मांगे नहीं थे, आपने दिया ले लिया अपना सुविधा वर्ग, इसमें हमको कहना क्या है। कहने का मतलब वो जिसको जो कहेंगे नीतीश कुमार उसके प्रति हम वफादारी की बात करते हैं और हमारा कुछ नहीं है। और ये भी कहते हैं अगर वो कहेंगे कि नहीं संतोषे होवे, एम वस्तु कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन अगर वो कह रहे हैं तेजस्वी को, बात के धनी आदमी हैं, कह चुके हैं कि 25 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी, तो हम लोग सब तैयार हैं, दोनों हाथ उठा के तैयार हैं।